हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रवा टोस्ट, जिसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सूजी हमें चाहिए, दही, कटी हुई शिमला मिर्च, कटे हुए टमाटर, कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और ब्रेड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन इंग्रेडिएंट्स से बनाते हैं रवा टोस्ट। सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे सूजी, दही। दही को हम सूजी में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने सूजी में दही को मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। अब हम इसमें डालेंगे हम अपनी कटी हुई वेजिटेबल्स, कटी हुई शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम सॉल्ट डालेंगे, थोड़ी सी ब्लैक पेपर। अब हम इन सब वेजिटेबल्स को मिक्स करेंगे और इनका एक बैटर तैयार करेंगे। इस तरह हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, सूजी, दही को, इन वेजिटेबल्स को। यदि आपको बैटर थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं। हमें ब्रेड पर इस बैटर को अच्छी तरह लगा लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है, पतला पतला लगाना है, ताकि हमारी सूजी कच्ची ना रहे जब हम इसको सेकें। इस तरह हमें लगा लेना है, सारे में फैला के अच्छी तरह। देखिए कितना कलरफुल और बढ़िया लग रहा है। जब हम इसको सेकेंगे तो ये और भी ज़्यादा कलरफुल और बढ़िया लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमें बैटर को इस तरह ब्रेड पर लगा लेना है। अब हम इनको सेकेंगे तवे पर। फ्रेंड्स, मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, इसको गैस पर रख लिया है। नॉनस्टिक तवे पर हमारा जो टोस्ट है वो चिपकेगा नहीं। इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा घी, आप बटर में भी सेक सकते हैं, ऑयल में भी सेक सकते हैं। अब हम इस ब्रेड को इसके ऊपर ऐसे जहाँ हमने बैटर लगाया है रख देंगे। और इसको लो फ्लेम पर सेकने देंगे। लो फ्लेम पर हम इसलिए सेकेंगे क्योंकि सूजी जो हमारी है वो कच्ची ना रह जाए। मंदी आंच में सेकेगा तो अच्छा सेकेगा और करारा सेकेगा। हमें चारों टोस्ट को रख लिया है। अब हम हाथ की सहायता से थोड़ा इन्हें हिलाएंगे। देखिए हमारे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे नॉन स्टिक तवा होने के कारण। इनको हम अच्छी तरह सेकने देंगे। को मंदी आंच पर ही सिकने देंगे ताकि हमारे अच्छी तरह करारे हो जाएं। इनकी बैक साइड पे भी हम ये ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। आप बटर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। अब हम इनको पलट देते हैं। ये नाश्ता मैं ब्रेकफास्ट में बना कर अपने बच्चों को खिलाती हूँ। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप भी बनाएं और बच्चों को जरूर खिलाएं।
बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। देखिए हमने इनकी बैक साइड भी सेक लिए, कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और आगे से भी हमारे ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हमारे जो टोस्ट हैं वो सिक कर रेडी हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे रवा टोस्ट बनकर रेडी हैं, आप इन्हें बनाइए और बच्चों को खिलाइए, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।